Assalamu alaikum, this is me Rashid Khan. I hope you are doing great and watching my video in a good health. First of all, I say welcome to all of you on my YouTube channel Rashid K Vlogs. जी तो आज के सीन कुछ ऐसे हैं कि मुझे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान जाना है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पर एक व्लॉग बना लिया जाए। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग किस तरह से अपनी स्टडी और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन हम गुजारेंगे बिजी मुल्तान के अंदर, सो लेट्स गो। जी तो इस टाइम हम मौजूद थे गर्देजी मार्केट मुल्तान के अंदर, जो कि 6 नंबर के पास मौजूद है। और जी हमारे सामने हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मेट्रो स्टेशन मौजूद है, जिसका लास्ट स्टेशन बिजी मुल्तान के ऊपर ही है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, मेट्रो बस को यूज़ करें और अपनी यूनिवर्सिटी बिजी मुल्तान पहुँच जाए। दूसरे स्टूडेंट की तरह हम भी मेट्रो से ही आज यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये आ गई हमारे सामने बीजीयू जाने की मेट्रो बस, और आप इसमें स्टूडेंट्स का रश देख सकते हैं। इस टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स ही भी मेट्रो के अंदर सफ़र करते हैं। खुल जा सिम सिम, थैंक यू। वैसे तो मैंने अब तक पाकिस्तान की बहुत यूनिवर्सिटीज़ विज़िट कर ली हैं, लेकिन बीजीयू मेरी ज़िंदगी की वो पहली यूनिवर्सिटी थी जो मैंने विज़िट की थी, और मेरा यहाँ एडमिशन भी हुआ था लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सका। तो लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बिजी उसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल 10 मिनट के सफ़र से बाकी 5 मिनट का सफ़र रह गया है, और ये हम माल ऑफ मुल्तान को क्रॉस कर रहे हैं। और हाँ, ये मेट्रो वाली आंटी की भी सुन ले, ये काम की बात बता रही हैं। जी तो ये बिजी मेट्रो स्टेशन आ चुका है और ये सामने इसका एग्जिट पॉइंट है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही हम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस पे पहुंच जाएंगे, और सब ये मेहनती पढ़ाकू बच्चे सुबह सुबह तैयार श्यार होकर आप इनको यूनिवर्सिटी जाते हुए देख सकते हैं। वेलकम टू द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ एशिया, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। हम फाइनली बिजी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं, और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत तादाद के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही आप बीजीयू का जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, आप उसको क्रॉस करेंगे, मेन एंट्रेंस के बाद आपको सिक्योरिटी पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी और बाइक्स वगैरह के लिए अपने एक टिकट वगैरह लेनी होती है नंबर की। तो ये आ गया जी सिक्योरिटी चेक, और यहाँ से बीजीयू का बाकायदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। हमने सिक्योरिटी अंकल बैठे हैं, जैसे ही सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करके आए तो राइट साइड पे गर्ल्स हॉस्टल आएंगे और लेफ्ट साइड पे बॉयज़ हॉस्टल, और ये मेरे बिल्कुल सामने एडमिन डिपार्ट और डिपार्टमेंट्स हैं, और हम जाएंगे सामने। सामने आने के बाद सबसे पहले आपको दो चीज़ें जो नज़र आएंगी, वो लेफ्ट साइड पर आपको जिना ऑडिटोरियम नज़र आएगा और राइट साइड पर एडमिन डिपार्ट नज़र आएगा, लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले जिना ऑडिटोरियम। तो जिना ऑडिटोरियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और मेरे जैसे बच्चे को पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर चाहिए, और उसके लिए हमें जाना है स्टेयर से ऊपर। चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि आपको बीजीयू में हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी। जी तो इस टाइम मेरे सामने मौजूद है सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां पर बीजीयू मुल्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फारिग औकात के अंदर बैठ के यहां पर स्टडी भी करते हैं। मोस्टली यहां आपको स्टूडेंट्स कम और कपल ज़्यादा नज़र आते हैं। दिल कर है कोई तो बताए क्या होगा। जी तो हमेशा से जब भी मैं लाइब्रेरी में आता हूँ, मेरा दिल हमेशा से बहुत घबराता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बुक्स देख के मैं सोचता हूँ कि यार इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओ माय गॉड। चलो चलो यहाँ से चलें। यार ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि बाज़ दफ़ा एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट जाने के लिए आपको शटल बस की भी ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपने इरादा किया है यूनिवर्सिटी घूमने का और वो भी पैदल, तो ना भाई आपसे ना हो पाएगा, और हो हमसे भी नहीं पाया, आपस की बात है।
जी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और ये पीछे से एक भाई साहब भागे भागे आ रहे हैं। और है हु आर यू? मोहम्मद राशिद यार, इसी के लिए मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने ही मुझे आज इनवाइट किया था बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान के अंदर। और वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये आज ज़िंदगी में मैं इनको पहली दफ़ा अकेला देख रहा हूं, वरना ये किसी के साथ ही होते हैं। तैमूर भाई हैं, और ये तैमूर भाई भी इस टाइम है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तैमूर भाई भी मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हैं। सो आगे चलते हैं कैंटीन पे पहले। ज़िंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं, और अगर आप बिजी हो आए हैं तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर एक भाई मिले हैं, और क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई हमारे साथ हैं, तो हम इनके साथ आज ट्रुथ प्लेयर की गेम खेलने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हसन भाई बात यह है कि हम काउंटिंग करेंगे, तो जिसके ऊपर 20 आ जाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन उसका रूल ये है कि आप एक बारी के अंदर 3 वर्ड मैक्सिमम बोल सकते हैं और मिनिमम आप एक वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक। तो काउंटिंग स्टार्ट करें, आप करेंगे कि मैं करूँ? आप कर लें। मैं कर लूँ? एक, एक दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 15 16 17 18 19 20 तो हम ये गेम जीत चुके हैं। हसन भाई अनफॉर्चुनेटली हार चुके हैं, वो अपने मुंह से एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो हसन भाई, आपका डेयर क्या होना चाहिए? आप जीते हैं, आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। हाँ, जूस। तो ये हमें अब जूस पिलाने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहे थे कि यहाँ पे जाफिर कैंटीन, आई गेस जाफिर कैंटीन है, वहाँ से ये अब हमें जूस पिलाएंगे। टारगेट गया था जी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस टाइम जाफिर कैंटीन पे। पीछे वाले भाई आ जाए, आपने भी खेलनी है? ओके, तो पता चलेगा मुझे पता। गेम, अच्छा मैं आपको गेम समझा देता हूँ। गेम ये है कि ना, हम 20 तक काउंटिंग करेंगे। अच्छा, तो उसमें मैं स्टार्ट करूँ? आप करें। मैं स्टार्ट करूँ? हाँ। एक दो तीन पाँच बोला है सात आठ दस ग्यारह आठ नौ नौ कोई नौ दस ग्यारह तेरह चौदह ओके 15 16 सतरह 18 19 20 भाई भी एक और डेयर हार चुके हैं, तो इस टाइम दो डेयर हमारे पास आ चुके हैं। तो दो जूस दो जूस नहीं, अब हम दो तो जूस नहीं पी सकते। डेयर करेंगे आप? आप बताएं क्या हो, जूस के अलावा और क्या मिलता है कैंटीन से? अब आई हैं इतनी दूर से, तो शॉर्मा मिलता है, पता नहीं, वहाँ जाके पता कर लेते हैं, देखते हैं। चलें, भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं, जो भी ये मंगवाएंगे हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। ओके, क्या नाम था भाई आपका? तौकीर उमर। तौकीर उमर और हसन भाई। हसन भाई, ओके लेट्स गो। जी, तो हम जाफिर कैंटीन पर इस टाइम मौजूद हैं। हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और तौकीर भाई भी मौजूद हैं। हसन भाई अपने डेयर आ रहे थे, उन्होंने जूस मंगवाए हैं, और तौकीर भाई की जानिब से बिरयानी इस टाइम आ चुकी है, तो जिन्होंने अपना डेयर बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट किया। हसन भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको अपना डेयर कंप्लीट करके और मतलब डेयर हार के कैसा लग रहा है बिरयानी खिला के? मज़ा आ रहा है। मैं तो कहता हूँ एक और हो जाए। नहीं, नो नो नो। कितने कितने हुए हसन भाई? ठीक हो गया। स्टार्ट होते ही हर तरफ फूल ही फूल हैं, और ये एक भाई कह रहे हैं कि पहले तस्वीर बनानी है, तो वो बना लें। डिपार्टमेंट सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। जिस टाइम मैं बॉटनी डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ, और मेरे साथ ये एक स्टूडेंट हैं जो कि शफकत महमूद साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जिन्होंने दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरायकी तो ताल्लुक रखता, मैं सरायकी शफकत साहब वास्ते कुछ लिखे है। ठीक है, कि ते कुछ शफकत पीऊ दा वास्ता है, साकु यार भला हुन तंग ना कर, बहु मुद्दत तो बाद मिले हैं असा यारा को, साड़ी यारी को बेरंग ना कर, साड़ा फ्यूचर बर पिया थींदा है, तू कौम दे बर हुन जंग ना कर, हुन बस कर रहा बर शफकत दी, ए शफकत साड़े ते साड़े संग ना कर।
ये शफकत साढ़े संग न कर जी। तो आपने इनका डोरा सुना, ये बहुत अच्छा इन्होंने सरायकी के अंदर कहा, जिसका मतलब ये है कि ये शफकत महमूद साहब से शिकायत कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा क्लोज ना किया जाए, और जिसकी वजह से इनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। और इनके साथ ये इनके और फेलोज भी मौजूद हैं जो इनका साथ देने के लिए मौजूद थे। तो ओके ओके थैंक यू जी। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं एक बीजीयू के स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस मलिक। मोहम्मद अवैस मलिक मौजूद हैं। तो जैसा कि हमारे आज ब्लॉग का कंटेंट है कि हम स्टूडेंट से ट्रुथ डेयर खेल रहे हैं, तो आर यू रेडी? यस सर। स्टार्ट आपने करना, मैं करूं? स्टार्ट मैं कर लेता हूं। ओके करो। 1 2 3 4 तीन, मैक्सिमम तीन बोलते। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। तो फाइनली मैं ये गेम जीत चुका हूँ, तो अवैस आप क्या डेयर करना पसंद करेंगे? जो आप कहेंगे वही कर लेंगे हम। अवैस भाई हमें जूस पिला रहे हैं। यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ फूल ही फूल हैं, तो अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो फौरन से फूल लें और उसे प्रपोज कर दें। जी तो मैं इस टाइम वापस आ गया हूँ, और आज का दिन बहुत मज़े का गुजरा। हमने ट्रुथ डेयर खेले, बहुत फ़न किया। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।